गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8A। मिस्टर अमर एंड हिज सन आर 48 ईयर्स एंड 14 ईयर्स ओल्ड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ मिस्टर अमर्स एज टू हिज सन्स एज। तो फर्स्ट वी राइट अमर्स एज is equal to 48 years and his son's age is equal to 14 years। अब बच्चों इसमें एक बात आपको चेक करनी होती है, अगर आपको रेशियो बताना है फर्स्ट नाम किसका लिखा हुआ है मिस्टर अमर का और देन सन्स एज, तो हम आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे। अमर्स एज पहले लिखेंगे जो कि यहां पर नाम पहले दिया है, देन सन्स एज, अमर्स एज रेशियो सन्स एज, तो यहां पर क्या लिखेंगे 48 रेशियो 14। नाउ सॉल्व इट बाय कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन 48 अपॉन 14। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 7s are 14। अब ये आप देखेंगे ये कट सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो क्या आएगा रेशो 24:7। तो क्या लिखेंगे रेशो ऑफ अमर्स एज टू हिज सन्स एज इज इक्वल टू 24:7। सिमिलरली बी पार्ट मिस्टर अमर्स एज टू सम ऑफ देयर एजेस। आपको पहले किसका लेना है अमर की एज लेनी है, द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि इन दोनों की एजेस का क्या करना है सम करना है। पहले क्या लिखेंगे अमर्स एज इज इक्वल टू 48 ईयर्स, सम ऑफ अमर्स एज एंड हिज सन्स एज इज इक्वल टू 48 + 14। ऐड कर दीजिए 8 and 4 = 12, 4 and 1 = 5, 5 and 1 = 6, 62 ईयर्स इज सम ऑफ देयर एजेस। नाउ राइट अमर्स एज रेशो सम ऑफ देयर एजेस, क्लियर 48:62। Now simplify this 48/62, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 31 is a prime number so it is not divisible by any number, so ratio is 24:31। Now we can write ratio of Mr. Amar's age to sum of their ages is equal to 24:31।